नमस्कार दोस्त, स्वागत है आपको अपने चैनल उमनवश्य लाइफ केयर में। मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि बीए फर्स्ट ईयर का रिजल्ट कैसे आपको प्राप्त होगा महात्मा गांधी का। ओके, तो लेट अस गो, चलो चलते हैं अपने पॉइंट पर। पहले हम यूसी ब्राउजर को ओपन करेंगे। ओके, यहाँ से हम लोग गूगल में जाएंगे। ओके, यहाँ पर सर्च कर रहा है गूगल, ये सर्च कर लिया। फिर यहाँ से हम लोग टाइप करेंगे क्या, MGKVP। ओके, उसके बाद हम यहाँ से सर्च कर लेते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर MGKVP निकल गया। यहाँ से हम रिजल्ट पर क्लिक करेंगे क्या, रिजल्ट पर। ओके, देखिए यहाँ से रिजल्ट ओपन हो रहा है। तब तक एक बात, तब तक एक काम कर लीजिए दोस्त, वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन दिखाई दे रहा है सब्सक्राइब का, उसे क्लिक कीजिए। क्लिक कर लिए दोस्त, तो उसके बाद जाकर वहीं पर एक घंटी वाला बटन होगा, उसी को उसको भी दबा देना, जिससे मेरा चैनल उमनवश्य लाइफ केयर सब्सक्राइब हो जाएगा। आपका मेरा कोई भी वीडियो आपको तुरंत मिलता रहेगा। चलिए ठीक है, तो हम चलते हैं। देखिए यहाँ पर तीन ऑप्शन दे रहा है, कौन कौन सा आप देख रहे हैं, BA BSc BCOM अदर। आप तीनों चीज का रिजल्ट निकाल सकते हैं, BBA BCA LLB MA MCOM MSc MSW BEd MBA, इनका भी रिजल्ट निकाल सकते हैं, फर्स्ट थर्ड एंड फाइव सेमेस्टर का। ओके, अब उसके बाद है BSc का फर्स्ट थर्ड एंड फाइव सेमेस्टर का एग्जाम आप निकाल सकते हैं। तो हम लोग को, चलिए बी का हम लोग निकालते हैं। ओके, यहाँ पर सर्च हो रहा है, हम लोग बीए का रिजल्ट निकालने जा रहे हैं। देखिए यहाँ से महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी का निकल गया है, ये देखिए आपके सामने ऐसा है। बस यहाँ पर आप डेटा पर लोड डिनोट कीजिए, जो भी आपका हो, आपका जो हो उसे डेटा पर यहाँ पर डिनोट कीजिए। उसके बाद यहाँ से ओके कर दीजिएगा, यहाँ पर ओके कर दीजिएगा, और यहाँ से हम वो करते हैं, यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। पहले हम लोग को हमेशा ध्यान रखिएगा, UG एनुअल सेमेस्टर पर क्लिक करना है और उसे ओके कर देना है। ओके, उसके बाद हम लोग कोर्स सेलेक्ट कर देंगे क्या, कोर्स, यहाँ से हम लोग कोर्स सेलेक्ट करते हैं, जैसे BA सेकेंड ईयर ही हम लोगों ने क्लिक कर दिया। ओके, BA सेकेंड ईयर जैसे क्लिक कर दिया, BA सेकेंड ईयर के बाद यहाँ पर सेलेक्ट आएगा, सेलेक्ट, देख रहे हैं इतने कॉलेजों के नाम आ रहे हैं, देख रहे हैं आ रहा है। इसके बाद यहाँ से कोई भी मान चले जैसे क्लिक कर देंगे, उसके बाद यहाँ पर रोल नंबर कोई भी जिसका हो उसे ऐसे रोल नंबर आप क्लिक कर दीजिए, जैसे यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, और इस तरह करके जो भी होगा उसे क्लिक करिए। कितने, शायद 14 नंबर का होता है कि 18 नंबर का होता है, ऐसे हो गया। उसके बाद यहाँ से सबमिट करेंगे, अगर होगा तो ठीक, नहीं होगा तो, मतलब किसी का होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात है ही नहीं, किसी का है इनवैलिड रोल नंबर, मतलब मेरे पास किसी का रोल नंबर नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे निकाला जा सकता है बीए फर्स्ट ईयर का, ठीक है। तो यहाँ पर एनुअल हो गया, अब यहाँ से हम लोग चलेंगे बीए फर्स्ट ईयर पर। ओके, तो यहाँ पर बीए फर्स्ट ईयर का ऑप्शन इसमें दिखाई नहीं रहा है, देख रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग बीए फर्स्ट ईयर का यहाँ पर चलेंगे, ये रहा सेलेक्टेड कोर्स में। ओके, यहाँ से क्लिक करेंगे, और यहाँ से फिर हम रोल नंबर को भी हटा दे रहे हैं। ओके, फिर इस डेट ऑफ बर्थ को भी हम लोग नहीं, चलिए पहले एक बार रिन्यू कर लेते हैं, उसके बाद जाकर फिर से ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ओके, फिर एक बार और रिन्यू, हाँ ये देखिए एक बार और रिन्यू, एक बार और, बस यहाँ से हम फिर क्लिक करेंगे। ओके,
उसके बाद यहाँ से हम लोग इसमें क्लिक करेंगे, उसके बाद ओके कर देंगे, या सर्च होगा, यहाँ से कोर्स सेलेक्ट करेंगे। देखिए इस टाइम बीए फर्स्ट ईयर का नहीं दिखा रहा है, बीए फर्स्ट ईयर का रिजल्ट दिखाई नहीं रहा है, वो डायरेक्ट आपको मिलेगा कॉलेज पर, वो भी रक्षाबंधन के बाद। आज रक्षाबंधन है 7 तारीख को, इसके बाद आपको वो डायरेक्ट कॉलेज पर ही मिलेगा। आप कॉलेज पर तुरंत जाइए, और नहीं हो तो प्रिंसिपल सर से पूछिए या किसी से पूछिए, आपको रिजल्ट तुरंत मिलेगा। और वो भी इस बार योगी सरकार में बढ़िया बीए फर्स्ट ईयर का रिजल्ट निकल रहा है, क्योंकि मेरा एक दोस्त था वो कल ही गया था रिजल्ट लाने, उसका महात्मा गांधी है, वो कुंवर सिंह से किया था, तो उसका परसेंटेज 85.6% आया था। तो दोस्त आप तुरंत जाइए कॉलेज पर, और वहां से आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ओके, तो मेरी वीडियो आपको समझ में आई, और ये सुझाव आपको समझ में आया कि हाँ प्रिंसिपल सर से बात करना है, तो आप कृपया करके जल्दी से जल्दी मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करिए, और तुरंत तुरंत प्रिंसिपल सर के आप फ़ोन कीजिए। ओके, अगर कोई और प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे कमेंट में लिखकर बताइए, मैं आपको अवश्य बताऊंगा कि कैसे इसे ठीक किया जा सकता है। ओके, धन्यवाद दोस्त, धन्यवाद।